स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर ली, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब आपको करना है गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई। हम अब इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर, क्योंकि हमें जो चीज़ें हमने ली हैं हमें उन्हें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस उसमें एक अच्छा सा क्रिस्पी सा टेस्ट हमें चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई जो हमने ले ली थी, उसके बाद बारीक कटे हुए स्प्रिंग अनियन जो हमने ले लिए थे, ग्रीन और वाइट दोनों पार्ट इसमें हम डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन की भी मैंने एक से दो स्प्रिंग अनियन लिए थे, उससे ज़्यादा नहीं लिए हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। याद रखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखिएगा यहाँ पर। बस हमें इसे इस तरह से पकाना है लगातार चलाते हुए कि ये थोड़े से पक भी जाएं और थोड़े से करारे भी हो जाएं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा बटर को भी मेल्ट होने देते हैं अच्छी तरह से। लगातार चलाते हुए मिक्स कीजिएगा, वरना हाई फ्लेम पे क्या होता है, अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे। सो ये देखिए मैं लगातार इसे चलाती जा रही हूँ। अब हम उसके बाद इसमें डालेंगे पनीर जो हमने ले ली है। आप आलू को भी मैश करके डाल सकते हैं, आलू को भी जो उबले हुए आलू होते हैं उनको भी स्क्वायर पीस में कट करके डाल सकते हैं। कई लोग चीज पसंद करते हैं तो चीज की यूज भी कर सकते हैं इसमें। मतलब जो भी सामान आपके पास घर में अवेलेबल हो उन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम डालेंगे सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक मैंने थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बटर का इस्तेमाल किया था, वरना ये ज्यादा खारा हो जाएगा। सो अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बस इसे ज्यादा नहीं पकाना, मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे इसे पकाने में मुझे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी चीजें अच्छी सी, देखिए उनका कलर ज्यादा बदला नहीं है क्योंकि हमने इन्हें ओवर कुक नहीं किया है, सिर्फ 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाया है, इसलिए इनका कलर भी बरकरार है अच्छा सा। अब बस हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सभी पक चुका है तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में बाहर निकाल लेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। स्टफिंग बनने में मैक्सिमम 5 ही मिनट लगा हमारा, उससे ज्यादा वक्त हमें नहीं लगा। अब दूसरे पार्ट में हमने क्या किया है, हमने लेनी है रोटियां, और रोटियों पे लगाएंगे हम सेजवान चटनी। ये रात की बची हुई रोटी है और इस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ सेजवान चटनी। सेजवान चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अगर नहीं भी तो आप टोमेटो केचप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहीं पे चीज़ का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, बट मैंने यहाँ पर चीज़ नहीं डाली है। मैंने जो मिक्सचर बना लिया था वो एक साइड पे डाल दिया है पूरा अच्छी तरह से, और अब हम इसे कर देंगे फोल्ड। इसी तरह बाकी रोटियों के साथ भी करेंगे। और यहाँ पे हमने एक तवे पे भी बटर लगा लिया, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। अब जो हमने स्टफ करके रोटी तैयार की है, अब हम वो रोटी इस पर रख देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी फिलिंग लग रही है, काफी करारी सी रोटी हो जाती है, क्योंकि रोटी तो हमारी रात की बची हुई होती है जिसे हमने पहले ही पकाया हुआ होता है। इस तरह से बटर में बनाने के बाद वो बहुत क्रिस्पी सा लुक देती है, क्रिस्पी सा टेस्ट देती है, और अंदर हमारे काफी सारे मसाले हैं जो चटपटे से लगते हैं। सो ये रोटी सैंडविच बहुत अच्छा लगता है रात की बची हुई रोटियों से। मुझे तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि सुबह सुबह अच्छी सी यूनिक सी डिश बन जाती है। ये देखिए अब नीचे वाली लेयर पे ब्राउनिश ब्राउनिश स्पॉट थोड़े ज्यादा आ चुके हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा बटर लगा दिया था और इसे हमने फ्राई भी कर लिया है। अब दोनों साइड इसी तरह से, बस टर्न करते वक्त ध्यान दीजिएगा जो ओपन वाला साइड है ना उसकी ओर टर्न मत करना, जो फोल्ड वाला साइड है उसकी ओर। देखिए इस तरह से